मैं तो कहता हूँ भाई, इसे ऐसे ही सोता छोड़, आश्रम चले चलते हैं चुपचाप। ये क्या बात हुई लवणासुर? क्या हम इस बंदर को इतनी दूर बस यूं ही छोड़ने के लिए लाए थे आश्रम से? क्या हम इसके टुकड़े टुकड़े कर दें? जय श्री राम। हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। जय श्री राम। देख देख वैरिनी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। जय बजरंग बली 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 जय बजरंग संभव है कि तुम लोग भी सुनकर विश्वास ना करो, किंतु मुझे पता है कि शत्रु को तीन स्थितियों में मारना शास्त्र विरुद्ध होता है। पहला जब वो आक्रमण से अनभिज्ञ हो, दूसरा जब वो आक्रमण का उत्तर देने में असमर्थ हो, और तीसरा जब वो आत्मसमर्पण कर चुका हो। भाइयों के साथ मिलकर तूने जो मेरे साथ षड्यंत्र किया है, उसके लिए पाठ अवश्य पढ़ाऊंगा तुझे। जाना ठीक नहीं है। एक एक ऐसी गत बनाऊंगा ना।
क्या तू मुझ पे हंसेगा? नहीं मुल्का सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खा। अच्छा? मुझे मत खा। मुझे पता तूने कुछ नहीं किया और तुझे खाने का मेरा कोई विचार भी नहीं था, मगर अभी तूने याद दिलाई दिया है तो क्यों ना तुझे खा लूं। वैसे भी तेरा नन्ना मांस तो स्वादिष्ट ही होगा। मुझे मत खा, मुझे मत खा। मुल्का सर, नानाश्री, नानाश्री, चुप। तुम इस बालक को कुछ भी नहीं कहोगे। लेकिन नानाश्री, ये बस साहब, एक शब्द और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जाओ। नानाश्री, मैंने कुछ नहीं किया। नानाश्री, मेरी बात सुनिए। नानाश्री, मैंने कुछ नहीं किया। नानाश्री, चुपचाप चलो। नानाश्री, छोड़ चलो, मैंने कहा चलो। यदि उसके नानाश्री सही वक्त पे नहीं नहीं आते तो मुल्का सर तो मुझे खा ही जाता। हाँ हाँ, उसने तो मुंह भी फाड़ दिया था खाने के लिए। मैंने भी सुना था ये राक्षस बच्चों को जीवित ही खा जाते, पर देखा आज पहली बार। हाँ हाँ, सुमाली नहीं आता तो बस खाने वाला ही था मुल्का सर। चलो आज तो बचा लिया सुमाली ने, किंतु यदि इन राक्षस बच्चों को आश्रम में प्रवेश मिल गया तो सुमाली के जाने के बाद हमें कौन बचाएगा इन राक्षस बच्चों से? हाँ हाँ, इनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, हमें उन लोगों के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मारुति, जैसे हम उच्च शिक्षा के लिए आए हैं वैसे वे भी आए हैं। शिक्षा का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए। फिर मन से वे लोग भी इतने पाशविक नहीं हो सकते जितना हम लोग सोच रहे हैं। अपने ही साथियों को भला कोई यूं क्यों मारेगा? ये बात तुम कह रहे हो मारुति? जबकि कल रात ये लोग मेरी आंखों के सामने तुमको मार के खाने के लिए शैया सहित उठा के ले गए थे जब तुम सो रहे थे। ऐसा तुमने सोच ही कैसे लिया? यदि तुम उस वानर को एक मामूली वानर समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है अक्षय। यदि तुम्हें उसे समाप्त करना है, तुम जितने हो उससे अधिक बुद्धिमान बनना पड़ेगा। मेरे प्रिय नाती अक्षय, सच्चा शूरवीर वो नहीं होता जो किसी को मार दे। एक सच्चा शूरवीर वो होता है जो किसी को परास्त कर दे। ऐसा मैं चाहता हूं अक्षय कि तुम उसे हर स्थिति हर परीक्षा में परास्त कर सको। तुम्हें उस वानर के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा, उसकी क्षमता
उसके विश्वास को समाप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तभी तुम उसे सच्चे शब्दों में हरा सकोगे, समझे अक्षय? तुम सभी को उस मारुति नामक बंदर से सदैव सचेत रहना होगा। उसके किसी चाल में फंस मत जाना, जिसके कारण गुरुकुल का कोई गुरु तुम्हें श्राप दे दे। इसीलिए अक्षय तुम्हें गुरुकुल के हर नियम का पालन करना होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु जो बोले उसे करो, उसे मानो, ताकि भविष्य में कभी नियम को तोड़ना भी पड़े तो ऐसा प्रतीत हो कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, समझे? जी ज्येष्ठ नाना श्री, अब देखना कि मैं इस आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहूंगा और उस बंदर को एक दिन मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। शाबाश शाबाश अक्षय कुमार, शाबाश, विजयी बनो। बस एक बार वो कर्ण प्रिय हमारा कार्य कर दे, उसके पश्चात आश्रम में रहने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। मैं तो जब भी सोता हूँ मन ही मन अपने आराध्य देव को प्रणाम करके ही सोता हूँ, इसलिए सोते समय मेरे आराध्य देव मेरी रक्षा करते हैं। फिर भला मैं क्यों चिंता करूँ किसी की? दामोदर, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर है उस पर अडिग विश्वास है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात, कल क्या होगा उसके लिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। फिर भी मेरे विचार से जो कुछ भी हुआ है ये सब प्राचार्य श्री तृणबिंदु को अवश्य बताना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो चुगली खाने जैसी बात हुई। मेरे विचार से ऐसा घटिया कार्य हमें नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो चिंता छोड़ो और अपने गुरु पे विश्वास रखो। आश्रम के सभी प्राचार्य हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। उन्हें भली भांति पता होता है कि किन्हें प्रवेश देना और किन्हें नहीं। वे जो भी निर्णय लेंगे उचित और सत्य पर आधारित निर्णय ही लेंगे। प्रणाम प्राचार्य श्री। प्रणाम प्रणाम। किसी विशेष कार्य से आए हैं आचार्य कर्णप्रिय? जी आचार्य, वो लंकेश नंदन अक्षय और उसके भाइयों की प्रवेश परीक्षा को लेकर मन में कुछ विचार। विचार? कैसे विचार? ऐसे ही मुझे लगा कि सभी राजघरानों के बच्चे हैं तो क्यों ना उनसे ऐसे प्रश्न किए जाए जैसे कि राज कैसे चलाते हैं, जैसे प्रश्न आपने मारुति से उसकी परीक्षा के समय पूछा था। मारुति, तुम तो एक राजपुत्र हो, तो ये बताओ कि राजा और राजकुमारों के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राचार्य, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उनसे भी वही प्रश्न करें जो आपने मारुति से किए थे। मैं तो कहते तो तुम ठीक ही हो, एक बड़े साम्राज्य के राजकुमार तो सर्वप्रथम उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अवश्य। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रश्न मैंने इनसे पूछने के लिए सोचा है वो अधिक उपयुक्त है। जी नाना श्री, आचार्य श्री आ रहे हैं।
दैत्यराज सुमाली? क्या हुआ? आइए। कार्य का क्या हुआ? आप आइए तू। मैंने कहा कार्य का क्या हुआ? प्राचार्य तृणबंधु इन सबसे भी वही प्रश्न पूछने के लिए सहमत हो गए जो मारुति से पूछे थे। तो अब हम क्या करेंगे? किंतु मैंने उन सभी प्रश्नों का पता लगा लिया है जो प्राचार्य इनसे परीक्षा में पूछने वाले हैं। बताओ वो प्रश्न। इनके आचरण और व्यवहार को देखते हुए प्राचार्य ने स्वयं सभी के लिए अलग अलग प्रश्न तैयार किए हैं। अक्षय के लिए प्रश्न है, ईश्वर से भी जो बड़ा है क्या है वो? मुल्कासुर के लिए प्रश्न है, जिसे तुम अंधेरे में भी देख लेते हो क्या है वो? विट्टासुर और लवणासुर के लिए प्रश्न है कि बताओ वो क्या है जो निर्धन के पास होता है किंतु धनी को उसकी आवश्यकता होती है, किंतु दोनों में से एक भी अगर उसे खा ले तो मृत्यु के द्वार के करीब ले जाता है। कुछ समझ आया? नहीं, कुछ नहीं। अद्भुत, यही तो इन सारे प्रश्नों का सही उत्तर है। हाँ? इन सभी प्रश्नों का यही उत्तर है, कुछ नहीं। ईश्वर से बड़ा क्या है? कुछ नहीं। अंधकार में हमें दिखाई क्या देता है? कुछ नहीं। निर्धन के पास क्या होता है? कुछ नहीं। और धनी को क्या चाहिए? कुछ नहीं। और यदि तुम खाओगे कुछ नहीं तो निर्धन हो या धनी पहुंच जाओगे ना मृत्यु के द्वार तक। अब पता चले ना प्रश्नों के सही उत्तर? हाँ। तो चले प्रवेश परीक्षा देने। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हे प्रभु, ये तो आश्रम में प्रवेश परीक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मारुति, नियति को भविष्य में जो कुछ करना है इसीलिए उसने अक्षय और उसके भाइयों का इस आश्रम में प्रवेश पहले से ही निर्धारित कर रखा है और विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। मारुति, फिर भी ये छल से आश्रम में प्रवेश ले रहे हैं, इसीलिए इन्हें तो तुमको बिना अपने गुरु के चुगली खाए पाठ पढ़ाना ही चाहिए। अब ये कैसे करोगे तुम? पूछो अपने विवेक से। सभी भाइयों को आश्रम में प्रवेश दिया जाता है। हमसे बच के रहना मारुति। और तुम भी मुझसे बच के रहना लंकेश नंदन। यदि ऐसी बात है तो उसकी गदा ही नष्ट कर देंगे। और हाँ, ये शुभ कार्य आज इसी समय हो जाना चाहिए।